झारखंड की हेमंत सरकार अगले महीने दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बड़े घोषणाओं के लिए बड़े आयोजनों की तैयारी भी चल रही है। वहीं सूबे के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार, कारोबारियों की तरह अब अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय भी मौजूदा सरकार की कार्यशैली से परेशान है। अब वे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ काला पत्र जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर आमिया और झारखंड छात्र संघ ने एक संयुक्त बैठक रांची के मदरसा इस्लामिया में की। अध्यक्ष एस अली ने बताया कि पिछले 23 महीने में महागठबंधन की सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया से झारखंड में मुस्लिम समुदाय हाशिए पर है। माइनॉरिटी का जो सेंट्रल का जो स्कीम है अल्पसंख्यक के विकास के लिए, दो वित्तीय वर्ष से एक भी पैसा झारखंड के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की भूमिका है, उसकी जो नाकामी है वो है। उसी प्रकार माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड या आपका हज समिति, इसको जो है ना तो न्यायिक अधिकार दिया गया, ना तो संवैधानिक अधिकार दिया गया। यहाँ एक भी अस्थायी कर्मचारी, सरकारी कर्मी भी नहीं है, ये डेली बेसिस कर्मी के भरोसे ये बोर्ड निगम चल रहे हैं। दूसरा, उर्दू एकेडमी गठन का मामला है, मदरसों का कई मसला है। 3712 जो है प्राइमरी उर्दू शिक्षकों का पद जो है 2015 से रिक्त पड़ा हुआ है। स्नातक प्रशिक्षित टेट उत्तीर्ण से उसको भरा जाना चाहिए था। प्लस टू में हाई कोर्ट का आदेश है 2018 में, उसके बावजूद जो है उर्दू टीचर का पोस्ट प्लस टू में अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है। उसी प्रकार मॉब लिंचिंग में 52 से ज़्यादा लोगों की जो है पीट पीट कर जो है मार दिया गया, घायल कर दिया गया। ना तो लिंचिंग पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद कानून बनाया गया, और ना ही पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा और पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018 के तहत जो है उसका पुनर्वास किया गया। इस प्रकार के अनेकों सवाल हैं कि 16 दिसंबर तक सरकार इन मसलों को अगर हल नहीं करती है तो महागठबंधन सरकार के खिलाफ हम लोग 17 तारीख को पूर्ण संध्या, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के पूर्व संध्या, हम लोग सरकार के खिलाफ में ब्लैक पत्र जारी करेंगे और आंदोलन की घोषणा करेंगे। बैठक में आमिया और झारखंड छात्र संघ ने हेमंत सरकार को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है इन सभी मुद्दों को सरकार पूरा नहीं करती है तो 17 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर सरकार के खिलाफ काला पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि 18 दिसंबर को पूरे देश में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है।